गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास सिक्स से लेकर के एट्थ तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल का, उसी टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल में आप लोगों को एन का प्रयोग बताया, उसके बाद में द का प्रयोग बताया। अब द के ही कुछ नियम हमारे कल बाकी रह गए थे, तो उन्हीं नियमों को आज हम पढ़ते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि कौन से वो वाक्य होते हैं, कौन सी स्थितियां होती है कि जिनमें ए एन डी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो उन स्थितियों के बारे में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जो तीन नियम हैं ये हैं आपके द का प्रयोग इन परिस्थितियों के साथ भी किया जाता है। सबसे पहला नियम, व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर, यानी कि जब किसी एक प्रॉपर नाउन को, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को किसी दूसरे व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, तब हम द का प्रयोग करते हैं। उस तुलना करने वाले या उस तुलना कराने वाले शब्द से पहले, जैसे एग्जांपल में देखें कि कालिदास वाज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मान लीजिए जैसे उदाहरण आ गया, तो यहां पर कालिदास को भारत के शेक्सपियर का नाम दिया गया है, उपनाम बताया गया है। वैसे हम जानते हैं कि शेक्सपियर जो था वो एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन यहां पर कालिदास को किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर शेक्सपियर नामक शब्द से पहले हमें द का यूज लेना होगा। यहाँ पर नियम यही कहता है कि यदि कोई एक प्रॉपर नाउन आई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आई है, तो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना यदि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम के साथ की जा रही, तो ऐसी स्थिति में उस उपनाम बताने वाले या उस तुलना करवाने वाले शब्द से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने देखा द का यूज लिया। सेकेंड नियम क्या कहता है? सेकेंड नियम कहता है, जैसा कि हमने कल जाना था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज जो कि यूनिक है, एकमात्र है, उसके जैसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो उन सभी चीजों के नाम से पहले हमने द का यूज लिया था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके नाम से भी पहले हम द का यूज लेंगे, जैसे रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि कोई भी धार्मिक समुदाय यदि हुआ तो उसके नाम से पहले हम लोग द का यूज लेंगे। कास्ट, किसी जाति विशेष का नाम यदि आता है तो उसके नाम से पहले हम द का यूज लेंगे। यदि किसी नेशनलिटी की बात करते हैं, किसी राष्ट्रीयता को बताने वाला यदि कोई शब्द आता है तो उससे पहले हम द लगाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम आते हैं तो द लगेगा। शिप्स हो गया, ट्रेन है या एरोप्लेन है, किसी भी चीज का यदि नाम आता है तो उससे पहले हमें द का यूज लेना है। मान लीजिए कि जैसे रिलीजियस कम्युनिटी की बात करें, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख, तो किसी का भी यदि नाम आता है तो इन सभी धार्मिक कम्युनिटियों से पहले या सभी धार्मिक समुदायों से पहले हमें द का यूज लेना है। सेकंड नियम कहता है कि कास्ट, कोई भी जाति आ गई, कि मान लीजिए जैसे द जाट्स, द चौधरी, इस प्रकार का कोई भी नाम यदि आ जाता है तो उस स्थिति के भीतर भी हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नेशनलिटी, मान लीजिए जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर अमेरिकन, अब अमेरिका वासी को अमेरिकन हम कहते हैं, तो इनसे पहले हमने द का यूज लिया। यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आता है तो उससे पहले हम लोगों ने द का प्रयोग करा। यदि किसी ट्रेन का नाम आता है तो उससे पहले भी हमने द का यूज लिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी धार्मिक समुदाय का, जाति का, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी चीज का नाम आता है, ट्रेन वगैरह हो गई, चाहे कोई किसी प्रकार का एरोप्लेन वगैरह हो गया, शिप वगैरह हो गया, सभी के नाम से पहले हम द का यूज लेते हैं। और जो इसका अंतिम नेम है, अंतिम नियम है, वो ये है कि बिफोर द प्लूरल सरनेम, यानी कि किसी एक शब्द से जो कि अपने आप में दिखने में बहुवचन दिख रहा है लेकिन एक पूरे परिवार से संबंध बता रहा है या पूरे परिवार के बारे में जानकारी दे रहा है, एक ऐसे शब्द से पहले हम द का यूज लेते हैं। जैसे मान लीजिए शर्माज, अब यहाँ पर कोई वर्ड ऐसा इस तरीके का आ जाता है, शर्माज। अब शर्माज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया शर्माज फैमिली,
तो यहां पर सिर्फ शर्माज शब्द को लिख देना गलत होगा। तो इस शर्माज शब्द का मतलब ये हो गया कि शर्मा सरनेम को रखने वाले जितने भी परिवार के लोग हैं उन सभी के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ द शर्माज से पहले हमें दा का यूज लेना होगा। तो यही दा का एक सामान्य नियम है जो हमें याद रखना है। अब ये तो बात हुई कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जिनके भीतर दा का यूज या ए का यूज एन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब है किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कौन सी वो स्थितियां होती है उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि तीन प्रकार के जो नाउन होती है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति का यदि नाम आया है तो नाम से पहले आप सभी जानते हैं किसी ए एन डी का यानी कि किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं लेते हैं। उदाहरण अभी जैसे बताया कि कालिदास किसी व्यक्ति का नाम था, तो इससे पहले हमने किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं लिया। दूसरी बात कहते हैं कि मैटेरियल नाउन, किसी भी प्रकार के किसी पदार्थ का नाम आ रहा है, मैटेरियल आ रही है यदि कोई चीज, चाहे कोई किसी प्रकार का मेटल हो चाहे किसी प्रकार की लिक्विड चीज हो, उससे पहले भी हम ए एन डी का यूज नहीं लेते हैं। जैसे मिल्क है, वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके नाम से पहले भी हम किसी प्रकार की कोई आर्टिकल का यूज नहीं लेते हैं। लेकिन हमें एक बात ये याद रखनी है कि इनसे रिलेटेड या इनसे बनी हुई कोई चीज हमारे पास आ जाए तो ऐसी स्थिति में हमें उस वस्तु की संख्या को ध्यान में रखते हुए ए एन डी का यूज लेना होगा। मान लीजिए कि आई वियर ब्लैंक गोल्ड चैन, मान लीजिए जैसे इस प्रकार का उदाहरण आ गया। अब यहाँ पर गोल्ड चैन दे रहा होगा, तो ये गोल्ड जो है ये तो अपने आप में एक मटेरियल है, मेटल है, लेकिन इस मेटल के होने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि गोल्ड के साथ में चैन शब्द और जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं दिया, यहाँ पर हमें आर्टिकल लगाना होगा और गोल्ड के हिसाब से यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ वाक्य इस प्रकार से लिखते कि आई बाई ब्लैंक गोल्ड, सिर्फ इतना लिखते, गोल्ड के बाद में कोई दूसरा शब्द नहीं लिखते जिससे कि बनी हुई वस्तु होती, सिर्फ गोल्ड लिखते, तो ऐसी स्थिति में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। कहने का मतलब यह है यानी कि कोई सा भी मेटल हमारे पास आ जाए, किसी भी प्रकार का मेटल आ जाए, तो उस मेटल से बनी हुई यदि कोई चीज है तो उसकी संख्या को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल का यूज लें, और यदि सिर्फ मेटल का नाम आ रहा है तो आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं लेना। तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर आप देख रहे हैं ऑनेस्टी ये एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से इस ऑनेस्टी शब्द से पहले आप ए एन डी में से कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर यदि आप लोगों ने आर्टिकल का प्रयोग किया तो वो सरासर गलत होगा। तो किसी भी भाववाचक संज्ञा से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम कहता है कि व्हेन ए कॉमन नाउन इज यूज्ड इन वाइड सेंस, कहता है कि कोई भी जातिवाचक संज्ञा यदि विस्तृत अर्थ में हमें कोई विस्तृत अर्थ दे रही है, कोई विस्तृत अर्थ के बारे में हमें बता रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में उस शब्द से पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं लेना है। यहां हमको दिख रहा है कि मैन शब्द आ रहा है, तो मैन शब्द आने के कारण ये जो मैन वर्ड है इस मैन से पहले ए एन डी में से हमें कुछ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि मैन शब्द एक विस्तृत वर्ड हो गया, इसमें जितने भी इस पूरे पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग हैं उन सभी को काउंट किया जाएगा, तो इसलिए मैन से पहले किसी वर्ड का प्रयोग हमें यहाँ नहीं करना, कोई आर्टिकल नहीं लगाना। नियम नंबर तीन क्या कहता है? बिफोर लैंग्वेज, किसी भी भाषा का नाम आए, सब्जेक्ट किसी भी विषय का नाम आए, पब्लिक प्लेसेस किसी भी सार्वजनिक स्थान का नाम आए, गेम्स किसी भी स्पोर्ट्स का गेम का नाम आए, या डिजीज किसी बीमारी का नाम आए, और मील्स किसी भोजन का नाम आए यानी कि लंच ब्रेकफास्ट डिनर ऐसे शब्द आ जाए, तो इनसे पहले भी हम कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं लेते हैं, तो ध्यान रखना है। तो देखें लैंग्वेज,
कोई सी भाषा, जैसे आई नो, उसके बाद में ब्लैंक स्पेस दे दिया इंग्लिश। अब मान लीजिए मैं यदि ये पूरा सेंटेंस बोलता हूँ तो इंग्लिश वर्ड से पहले, अब इंग्लिश अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है लेकिन यहाँ पर भाषा के रूप में कार्य करिए, तो इसलिए इंग्लिश से पहले ऐसा नहीं करना कि ए एन डी का यूज लेंगे, वरना ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ कोई ए एन डी का यूज नहीं लेना, आर्टिकल नहीं लगाना। इसी प्रकार से यदि किसी सब्जेक्ट के, जैसे आई एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे I like हिंदी, अब यदि यहां पर और हिंदी के बाद मान लीजिए सब्जेक्ट भी यदि लिख दिया जाए, तो देखिए यहां पर यदि हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है तो हिंदी से पहले हमें किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं लेना, क्योंकि सब्जेक्ट हो चाहे लैंग्वेज हो, उससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं लेते। तो यहां पर आपको क्या करना है, क्रॉस लगा देना है। आगे चौथा नियम कहता है कि बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस, कलर्स, फेस्टिवल्स, स्टेट, सिटी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज का नाम, कौन कौन सी चीजें, नेशंस किसी राष्ट्र का नाम, देश का नाम, किसी कलर का नाम, किसी फेस्टिवल का नाम, और किसी स्टेट का नाम, और किसी सिटी का नाम, जैसे दीपावली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट। मान लीजिए जैसे ये एग्जांपल आ गया, तो यहां पर हमने देखा कि जो दीपावली शब्द है, इससे पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग होगा या नहीं होगा ये बात हमें जाननी है। तो ध्यान रखें, दीपावली शब्द जो है ये एक फेस्टिवल का नाम है, इससे पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार से राजस्थान हैज ए बिग डेजर्ट नेम्ड थार। मान लीजिए जैसे एग्जांपल आ गया, तो यहां पर हमने देखा किसी स्टेट का नाम आया, स्टेट के नाम से भी पहले हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं लेना। अब बात करते हैं बिफोर द वर्ड गॉड, यदि कहीं भी अंग्रेजी वाक्य के भीतर गॉड शब्द आप लोगों को नजर आ जाता है तो गॉड शब्द से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही ए एन का प्रयोग करते हैं। गॉड शब्द विदाउट आर्टिकल के यूज होगा, जैसे एग्जाम्पल है गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। यहाँ पर जैसा कि ये कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर जो ये गॉड वर्ड है, इस गॉड वर्ड से पहले यदि ब्लैंक स्पेस दे दिया जाए तो ध्यान ये रखना है ए एन डी का यूज हमें यहाँ नहीं लेना है, कोई भी आर्टिकल यहाँ प्रयुक्त नहीं होगा। और सबसे अंतिम जो नियम आता है जहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करना है वो कौन से वर्ड है, तो वे है बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इस नियम को थोड़ा अच्छे से समझें, ये कह रहा है कि यदि ये सभी शब्द स्वयं आ जाए, जैसे आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग, मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल आ गया। अब यहां पर एक बात समझनी है कि जो बेड वर्ड स्वयं आया है, बैड वर्ड से पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देना है, इसका मतलब हो गया कोई भी आर्टिकल यहाँ काम में नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना है जैसे चर्च है, कोर्ट है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, इनमें से किसी भी चीज का यदि नाम आता है तो
नाम आने पर फिर आपको आर्टिकल का यूज लेना होगा, लेकिन यदि इनका नाम नहीं आया और सिर्फ ये वर्ड आप लोगों को सेंटेंस में देखने को मिले तो आपको केवल कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, केवल उस शब्द के आगे जो ग्रीन इन द ब्लैंक्स होगा या ब्लैंक स्पेस होगा उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, जैसे ये वाक्य आया यहाँ पर स्कूल से पहले यदि फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए तो इसके भीतर हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं लेना है, यहाँ इस फिल इन द ब्लैंक्स के भीतर क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आर्टिकल का टॉपिक है उसमें तीन प्रमुख आर्टिकल यूज आते हैं, ए एन दी, और साथ में अभी हमने ये आपको बताया कि आर्टिकल का कहाँ पर निषेध किया जाता है, कहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं आते हैं, वो सभी नियम भी अभी आप लोगों को बताया। अब यदि किसी प्रकार का इस पूरे आर्टिकल के टॉपिक में कोई समस्या यदि किसी बच्चे को हो तो वे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, डायरेक्ट लाइव वीडियोस के भीतर बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो किसी बच्चे की तो वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को अच्छे से जो इसके अंदर नियम बताए गए उन्हें समझने का प्रयास करें, दोबारा से दोबारा वीडियो को देख देख करके इनके नियमों को याद रखने की कोशिश करें। आपके टॉपिक आपके जो 6 से लेकर के 8 तक की क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके ग्रामर से रिलेटेड, तो इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से याद रखना जरूरी है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, कल एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।